सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको वेकेंट सीट देख लेनी चाहिए। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बीएड एडमिशन के पोर्टल पर जाकर यहाँ पर होगा वेकेंट सीट मैट्रिसेस, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मतलब ऑप्शन आ जाएगी सिलेक्ट एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी। आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करोगे जिस यूनिवर्सिटी में आप कॉलेज देखना चाहते हो। इससे पहले मैं कल की वीडियो में ये बता चुका हूँ कि आपको 3, 4, 5, 6 कॉलेजेस की लिस्ट पहले से तैयार रखनी चाहिए। इस बार एक चेंज हुआ है कि मिनिमम 3 कॉलेजेस आपको फिल करने ही पड़ेंगे। कारण ये है कि कुछ कॉलेजेस ने रजिस्ट्रेशन के बहाने सिर्फ एक कॉलेज फिल करना है ना, तो यूनिवर्सिटी उसको चैलेंज कर रही है। दूसरी बात कि आप एक ऑप्शन गुरु नानक में, दूसरी पंजाबी में, तीसरी पंजाब में, किसी में भी भर सकते हो। तीनों ही गुरु नानक में, 10 की 10 गुरु नानक में, पंजाबी यूनिवर्सिटी में, 2 यूनिवर्सिटी में, आप चॉइस मीन 100% चॉइस है। तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के कॉलेज, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को यहाँ सेलेक्ट किया है, कॉलेज सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, दैट इज़ वाई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जलंधर को क्लिक किया। और 100 सीट्स हैं जो टोटल सीट्स फिल हैं, एक्सक्लूडिंग ये क्योंकि मैनेजमेंट कोटा सीट नहीं होती यहाँ पर, 44 सीट्स फिल हुई हैं। इट मीन्स 56% सीट गवर्नमेंट कॉलेज में खाली पड़ी हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन की हैं। अच्छा, ये पहले कहा गया था कि प्रॉस्पेक्टस में लिखा गया है कि 15% कोटे को कन्वर्ट करके 85 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अब ये थर्ड काउंसलिंग में होगा, है ना। तो आप अपना कोटे के मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक, कैटेगरी के मुताबिक देखिए, दैट इज़ वाई स्पेसिफिकेशन इतनी ज़्यादा है, एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं होती। यहाँ से आप देख सकते हो कंप्यूटर एजुकेशन की सीट्स कितनी हैं, जनरल की 4 हैं, तो ये मैं रीड नहीं करूँगा, आप खुद इसको पॉज करके देख लीजिए। टोटल 8 सीट्स वेकेंट है। फाइन आर्ट्स की मैं टोटल बता रहा हूँ, 5 सीट्स हैं वेकेंट। आपको अपनी कैटेगरी की देखनी है, टोटल देखने का आपको फायदा नहीं है क्योंकि आपका कंपटीशन उसी में है। फॉर एग्जांपल होम साइंस की जनरल की 3 हैं, है ना, एक्स सर्विसमैन की 1 है और पीडब्ल्यूडी की 1 है, है ना, स्पोर्ट्स जनरल की 1 है, स्पोर्ट्स एससी की 1 है, टोटल ये 7 बन गई। और 15% कोटे में 1 जनरल की है और बाकी टोटल बची, 1 ही बची है इसमें, टोटल 8 सीट्स हो गई। ऐसे डिवीज़न अपन देख लीजिए। ऐसे ही लाइफ साइंस है, म्यूज़िक है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल साइंस है, सोशल स्टडीज़ हैं, टोटल जो सीट्स पड़ी हैं ये 56 है, लास्ट में टोटल हैं। तो आपको अपना सब्जेक्ट देखना है, कैटेगरी देखनी है और कोटा देखना है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का देखते हैं, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर, कॉलेज भी सिलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज पंडित चेतन देव गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, है ना। तो 100 सीट्स हैं, कितनी सीट्स बाकी हैं, 62 बाकी हैं, जलंधर में ज़्यादा फिल हुई हैं। तो कंप्यूटर एजुकेशन की जनरल की 2 हैं, एससी की 1 और ओबीसी या बीसी की 0 है, एक्स सर्विसमैन 0 और ये पड़ी हैं, टोटल 3 हैं इसकी, है ना। और 15% कोटे में 1 है, 4 हो गई टोटल। इकोनॉमिक्स की हैं 3 जनरल की, 1 एससी की, 1 ओबीसी की, एक्स सर्विसमैन की 1, है ना, बाकी आप खुद नैरो डाउन करके जूम करके देख लीजिए। हिस्ट्री की 3 हैं जनरल की, 1 ओबीसी की है, एक्स सर्विसमैन की 1 है। लाइफ साइंस की 4 हैं, ये आप खुद देख सकते हो मेरे ख्याल में। मैथ्स है, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, ग्रैंड टोटल है। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी होगी टोटल 62। हाँ, इसका हमको कम फायदा होगा क्योंकि ज़्यादा पंजाब के लोग होते हैं और कैंडिडेट होते हैं, दूसरे बाहर से कम होते हैं, वो बाद में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो भी मिलेगी। तीसरी काउंसलिंग का भी आपने ऐसे ख्याल रखना है। तो कोई क्वेश्चन हो आपका वो साथ साथ में इसी वीडियो के नीचे कर सकते हैं। अभी आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन मतलब ये काउंसलिंग ही बचती है, लेकिन एक है कि केयरफुली आपने फिल करना है, उसका साइंटिफिक स्टेप है कि आप इसको अच्छी तरह से वेकेंट सीट को जज कर लीजिए और उसी कॉलेज को प्रेफर कीजिए। अगर आपकी सीट नहीं भी है फिर भी आप गवर्नमेंट कॉलेज फिल करना चाहते हो, कर सकते हो, क्योंकि 10 ऑप्शन है तो आप 10 की 10 ऑप्शन भी फिल कर सकते हैं। ये है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन,
मलेरकोटला 50 सीट्स हैं, 22 फिल हुई हैं, 28 खाली हैं, बहुत कम कैटेगरी हैं। यहाँ पर फीस लगभग 37, 8 और 39 के करीब है, 2 साल की फीस, नहीं सॉरी यहाँ पर 52 है, यहाँ पर थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, शायद पीटीएफ फंड वगैरह लेते होंगे। कॉमर्स की कोई सीट नहीं है, 15% कोटे में 1 सीट है। कंप्यूटर एजुकेशन की 1 सीट जनरल में, 1 SC की और 1 यहाँ पर कोई नहीं है, 2 ही हैं, 1 है 15% कोटे में। मैथमेटिक्स की 6 सीट्स हैं जनरल कैटेगरी में और 1 है SC कैटेगरी में, 1 एक्स सर्विसमैन में है। मैथ्स की ज़्यादा सीट्स पड़ी हैं, 1 स्पोर्ट्स कोटा जनरल में भी है। साइंस की 2 जनरल में हैं, 1 OBC में है, 1 एक्स सर्विसमैन में है, 1 एक्स सर्विसमैन SC है, 1 एक्स सर्विसमैन BC है और टोटल 8 हैं। सोशल स्टडी की 1 SC के लिए है और 1 एक्स सर्विसमैन जनरल, 1 एक्स सर्विसमैन SC और 1 है PWD के लिए। टोटल 4 सीट्स हैं, 5 15% कोटे के मुताबिक। स्टेट कॉलेज ऑफ एजुकेशन पटियाला, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज में सीट है, 150 सीट्स हैं, 52 फिल हुई हैं, 92 अभी भी खाली हैं। आपके लिए अच्छी खबर है कि ज़्यादा सीट्स खाली हैं। कॉमर्स में टोटल 7 सीट्स हैं, है ना, जनरल कैटेगरी में, OBC में, ये आपको खुद देखना होगा। कंप्यूटर एजुकेशन में हैं 7 सीट्स, इकोनॉमिक्स में 7 सीट्स, फाइन आर्ट्स में 7 सीट्स, ज्योग्राफी में 6 सीट्स हैं, होम साइंस में टोटल नंबर 7 सीट्स, लाइफ साइंस में 7 सीट्स, मैथमेटिक्स में 9 सीट्स, म्यूजिक में 9 सीट्स और वेकेंट पड़ी हैं। फिजिकल एजुकेशन में 8 सीट्स, फिजिकल साइंस में 11 सीट्स, सोशल साइंस में 10 सीट्स, टोटल 92 सीट्स यहाँ पर है। आप अपनी मेजर सब्जेक्ट कैटेगरी और कोटे के मुताबिक सीट्स को देख सकते हो। तो इसके अलावा और कोई कॉलेज है वैसे तो आप खुद देख सकते हो। सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको पहले देख के फिर प्रेफरेंस की प्लानिंग करके फिर फिल कीजिए। थैंक यू।